खाना हिंदुस्तानी। तो आइए आज मैं अपने किचन में चॉकलेट सॉस की रेसिपी दूंगी। ये देखिए, ये हमारी चॉकलेट सॉस है और ये मार्केट से ज़्यादा अच्छी आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही कम मेहनत में और बहुत कम चीज़ों से ये बनके तैयार हो जाएगी। तो आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और 1/2 कप मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। साथ में ही 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, ये डाल देंगे इसमें। और इसके अलावा 3 टेबल स्पून हम इसमें कोका पाउडर डाल देंगे। कप दूध इसमें जाएगा, बाद में मैं 1/2 कप और डालूंगी। जल्दी इसको मिक्स करेंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए, लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें किसी भी तरह का कोई लम्स नहीं है। और अब इसमें 1/2 कप मिल्क और डाल देंगे और इस जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो से थोड़ा मीडियम की तरफ कर दी है और उसको मिलाते रहेंगे। तो देखिए, थोड़ी ही देर में ये थिक हो गई है। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं और इसकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये परफेक्ट लग रही है इसलिए हमने नहीं डाल रही इसमें। तो अब इसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून और इसे मिक्स कर लेंगे। साथ में ही इसमें 2 टेबल स्पून बटर डाल देंगे। बटर डालने से इसमें क्रीमी टेक्सचर आता है, इसलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बटर। इसमें बटर डालने के बाद 3-4 मिनट तक और पका लेंगे इसको, लगातार स्टेयर करेंगे। तो इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना बहुत ज़्यादा पतली है। इसको मैंने 3-4 मिनट और पका लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, चॉकलेट सॉस हमारी बिल्कुल तैयार है बनके। ये देखिए, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आप घर पे बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है, गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये आसान सी चॉकलेट सॉस की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल खाना हिंदुस्तानी पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन है, घंटी, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं मेरी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।